हेलो एवरीवन, क्या आप भी अपने स्किन पर होने वाले पिंपल्स, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, पैचेस, रेड पैचेस से परेशान है? तो आइए कि मैं एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए जो कि सारे स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा पाएगी। तो आइए देखते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे वीडियो पर आपको ट्रैवल वीडियो एंड ब्यूटी टिप्स, DIY, कुछ ऐसी ही वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, मैंने स्क्रीन पर आई बटन दे रखा है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं ऐसी ही ब्यूटी टिप्स, ट्रैवल एंड कुकिंग वीडियोस देखने के लिए। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एलोवेरा के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे आपको इसे यूज़ करना है। यूज़ करने से आपके चेहरे पर पिंपल्स, रिंकल्स, मुहासे से दूर गोरा और खूबसूरत बनाए रखने के लिए ये एलोवेरा आइस क्यूब्स बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं आपकी स्किन के लिए। फिर आपकी स्किन के लिए एक नेचुरल स्किन मॉइस्चराइज़र का काम करता है। इसे त्वचा पर लगाने से त्वचा में नमी आती है, नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। अगर आपको किसी तरह की एलर्जी नहीं है तो आप किसी भी तरह के स्किन टाइप पर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि चेहरे से धूल, मिट्टी, डेड स्किन और गंदगी को साफ करने में मददगार होता है। इससे आपका स्किन ग्लो करने लगता है। एंटी एजिंग गुड़ से भरपूर एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी मौजूद होती है जो आपके चेहरों से झुर्रियों को हटाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। एलोवेरा जेल के नित्य इस्तेमाल से आप लंबे समय तक खूबसूरत रह सकते हैं। त्वचा से सनबर्न की समस्या से छुटकारा दिलाने में भी एलोवेरा जेल काफ़ी यूजफुल होता है। चेहरे के पिंपल्स एंड डार्क सर्कल के लिए भी एलोवेरा का यूज़ करते हैं। चेहरे से मेकअप हटाने के लिए भी एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे स्किन को कई तरह का कोई नुकसान नहीं होता। शरीर के स्ट्रेच मार्क्स को हटाने के लिए भी एलोवेरा जेल काफ़ी हद तक मददगार होता है। इसके लिए एलोवेरा जेल में गुलाब जल कर इस्तेमाल करना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। फटी हुई खूबसूरत एड़ियों को एलोवेरा जेल मुलायम और खूबसूरत बनाने में हेल्पफुल करता है ये एलोवेरा जेल। आपकी स्किन को लाइट एंड ब्राइट अप करने में बहुत ही यूज़फुल रहता है। ये एक एलोवेरा अच्छा क्लींजर माना जाता है। जो चेहरे पर निखार लाने के लिए एलोवेरा जेल लगाएं, आपके चेहरे पर काफ़ी निखार आएगा। सो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आप कैसे बना सकते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आपके घर में एलोवेरा जेल लगा हुआ है या प्लांट लगा हुआ है तो आप इसे कट करके अच्छे से इसे पल्प इसका निकाल कर अच्छे से ये जेल निकाल लीजिए। इसको अच्छे से मिक्सर में आप पीस सकते हैं और इनको अच्छे से ये इस तरीके से ये जेल निकाल बना सकते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा प्लांट नहीं है तो आप मार्केट वाला भी जेल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। क्यूब्स बनाने के लिए बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। ये आपकी स्किन को लाइटन करने के साथ साथ आपकी स्किन में एक ग्लोइंग और एक निखार लाता है। इसको अब जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है हमारा राइस, जी हाँ, चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को धोकर अच्छी तरीके से इसका फाइन पाउडर भी ग्राइंड कर सकते हैं मिक्सर जार में। और मैंने यहाँ पर यहाँ 2 चम्मच ये राइस फ्लोर डाला हुआ है। काफ़ी अच्छा होता है स्किन के लिए, अच्छा स्क्रब करता है आपकी स्किन। आपको एलोवेरा जेल में ये राइस, चावल का आटा अच्छे से मिक्स करना है ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, काफ़ी ये थिक बैटर बन सके, एक अच्छा पेस्ट बनकर तैयार हो सके हमारे स्किन के लिए। काफ़ी अच्छे स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग एंड स्क्रबिंग क्लींजिंग करने काफ़ी अच्छा बेनिफिशियल होता है। अब जो हम इसमें सेकंड थर्ड इंग्रेडिएंट जो हम इसमें डालेंगे वो, जी हाँ, लेमन। हम इसमें कुछ एक दो बूंद हम इसमें नींबू के रस की डालेंगे। नींबू की जो रस होता है, नींबू का लेमन जूस, जो हमारे डेड स्किन सेल्स को रिपेयर करता है, इसमें से डेड स्किन सेल्स को हटाता है और ये काफ़ी अच्छे से स्किन को लाइटन ब्राइट अप करने में काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव करता है। अच्छे तरीके से मिलाकर आपको इसे फ्रिज की एक ट्रे में अच्छे से इसको भर देना है ताकि अच्छे से आइस क्यूब बनकर तैयार हो सके हमारी फेस क्लींजिंग के लिए। काफ़ी अच्छे मॉइस्चराइजिंग, हाइड्रेटेड एंड डेड स्किन सेल्स रिमूव करने के लिए काफ़ी अच्छे ये आइस क्यूब होते हैं और ये काफ़ी अच्छे जमकर ये तैयार हो चुके हैं हमारे आइस क्यूब एलोवेरा जेल। अब आपको इसे कैसे यूज़ करना है, आप इसे डेली
यूज़ कर सकते हैं, इसे वीकली भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल आइस क्यूब्स आपको जब टाइम मिला तब इसे यूज़ कर सकते हैं ऑन योर फेस एंड नेक। और इस एलोवेरा आइस क्यूब को आप मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्लींजिंग स्क्रबिंग टोनिंग का काम करते हैं। इसको आपको कैसे यूज़ करना है, आप इसे सर्कुलर मोशन में इस तरीके से डैप करके आप इसे मसाज कर सकते हैं। 3-5 मिनट्स आप इसे मसाज करिए एंड 3-4 मिनट होने के बाद इसे आप नॉर्मल पानी से आप इसे वॉश कर सकते हैं अपने फेस को। कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन में आपको ये आइस क्यूब्स लगाने होंगे, काफ़ी अच्छा इफेक्ट करते हैं। आप इसे डेली यूज़ करिएगा अपने स्किन के लिए, काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।